हाय फ्रेंड्स, क्या आप लंबे टाइम से स्मोकिंग कर रहे हैं? बीड़ी या फिर सिगरेट आप काफ़ी टाइम से पी रहे हैं? फिर कहीं आपको थोड़ा बहुत ये भी डर है कि यार मुझे कहीं कैंसर ना हो जाए? क्या आपके माइंड में नहीं आता कि यार अगर मैं बीड़ी पी रहा हूँ मेरे कैंसर की रिस्क बढ़ी हुई है? तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि अगर कैंसर बन भी जाए तो मुझे जल्दी पता चल जाए? अगर आपके दिमाग में ये डाउट है देन यू आर ऑन राइट चैनल राइट नाउ। हाय फ्रेंड्स, इट्स मी डॉक्टर नितेश, MBBS MD जनरल मेडिसिन। राइट नाउ आई एम परस्यूइंग DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। आज मैं बात करूंगा क्रॉनिक स्मोकिंग के बारे में। जो भी लंबे टाइम से बीड़ी या फिर सिगरेट पी रहे होते हैं उनमें डेफिनेटली आप सब जानते हैं कि कैंसर, फेफड़े के कैंसर की, लंग कैंसर की रिस्क उनमें बढ़ी हुई रहती है। जितने भी लोग लंबे टाइम से स्मोकिंग कर रहे होते हैं उनमें से 10 से 20% में ही लंग कैंसर होता है, फेफड़े का कैंसर होता है। लेकिन ये 10 से 20% बहुत ज़्यादा होता है। 100 में से अगर 10 से 20 को अगर कैंसर होता है तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो अब बात की जाए कि अगर ये जो कैंसर है किसी को होता है तो उसके लक्षण क्या आते हैं। लक्षण आते हैं जैसे किसी के में वजन कम होना, खांसी होना, खांसी में खून होना, भूख न लगना और या फिर छाती में दर्द होना। ये सब चीज़ें क्या होता है, कई बार एडवांस स्टेज पे आती है जिसमें कि अपन कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए बात ये आती है कि जो भी लंबे टाइम से ये स्मोकिंग कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, क्या कोई उनमें तरीका है कि जिसे अपन उनमें जल्दी, जब ये कैंसर हो जाता है तब उसको पकड़ पाएं, शुरुआती स्टेज में ही पकड़ पाएं ताकि उसमें ऑपरेशन हो सके, उनको अपन बिल्कुल ठीक कर सकें। तो ऐसा बिल्कुल तरीका है। तो इसके लिए क्या करना होता है, अपने को लो डोज सीटी स्कैन करवाना होता है। सीटी स्कैन का एक ऐसा तरीका जिसमें नॉर्मल सीटी स्कैन के कंपेयर में रेडिएशन का जो डोज है, विकिरण का जो डोज है, वो कम लगता है। क्योंकि इसमें बस पर्पज यही होता है कि कोई क्या कोई गांठ फेफड़े में, लंग में कोई कैंसर की कोई गांठ कोई है या नहीं है। अब ये किस में करवाएं, क्या सारे जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें सब में करवाना है? नहीं। देखिए, इसके लिए क्या होता है कि जो भी 55 साल से ज़्यादा का है, जो भी मोर देन 55 ईयर्स की एज का है, ठीक है, इसके साथ में एक और क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। बीड़ी या सिगरेट कितने टाइम से आप पी रहे हो और कितना अमाउंट में पी रहे हो, इन दोनों को मिला के एक जो इंडेक्स बनता है उसको कहते हैं पैक ईयर्स। वैसे पैक ईयर्स बनना तो सिगरेट के लिए है, बट ठीक है, अप्रोक्स आप इसको बीड़ी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर पैक ईयर्स अगर 30 से ज़्यादा हो जाए, 30 से ज़्यादा हो जाए और आपकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है और आप स्मोकिंग कंटिन्यूसली आप कर रहे हैं, या फिर आपने स्मोकिंग छोड़ तो दी है लेकिन छोड़े हुए आपको अभी 15 साल से कम ही हुए हैं, तो आपको ये लो डोज सीटी स्कैन करवाना चाहिए। अब आप सोचेंगे पैक ईयर्स क्या है। पैक ईयर्स ये है कि पर डे का आप कितना पैकेट सिगरेट या फिर बीड़ी के बंडल पी रहे हैं उसको आप गुणा कर दीजिए, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने सालों से आप बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं। अब जैसे कोई पर्सन है वो पी रहा है 30 साल से बीड़ी पी रहा है या फिर सिगरेट पी रहा है, जैसे सिगरेट का वो 2 बंडल पी रहा है, अब वो 2 बंडल पी रहा है 30 साल से, तो पैक ईयर्स कितने हो गए, पर डे के कितने पैकेट सिगरेट के, 2 पैकेट। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है कि जितने सालों से वो पी रहे हैं, तो वो कितने हो गए 30, तो 30 × 2 कितने हो गए 60, तो ये हो गया 60 पैक ईयर्स। अब ये 60 ऑब्वियसली 30 से ज़्यादा है तो ये उस कैटेगरी में आते हैं कि इनको लो डोज सीटी स्कैन करवाना है क्योंकि ये स्मोकिंग अभी भी कर रहे हैं। अब बात की जाए उनकी जिन्होंने बीड़ी सिगरेट छोड़ दिया है, अब सपोज किसी ने इसी डोज में अगर वो कोई पी रहा है, मतलब या फिर 30 पैक ईयर से ज़्यादा, 30 पैक ईयर से ज़्यादा की डोज और ड्यूरेशन उसका है, और अगर उसने सिगरेट या बीड़ी छोड़ी है 10 साल पहले, तो भी वो लो डोज सीटी स्कैन करवाने के क्राइटेरिया में फिट बैठता है क्योंकि अभी छोड़े हुए 15 साल से कम ही हुए हैं। बीड़ी सिगरेट छोड़ने के 15 साल बाद तक भी कैंसर होने के चांसेस बने रहते हैं, 15 साल के बाद होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो उनमें भी क्राइटेरिया फिट नहीं बैठता है, उनमें फिर वापस लो डोज सीटी स्कैन करवाने की ज़रूरत नहीं रहती है। जो 30 पैक ईयर से ज़्यादा की डोज ले रहे हैं, 55 ईयर्स एज की ज़्यादा है, और जो अभी तक स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर अभी स्मोकिंग छोड़े हुए 15 साल से कम ही हुए हैं, तो उनको ये लो डोज सीटी स्कैन करवाना चाहिए। आप फिजिशियन के पास जाइए, वो लो डोज सीटी स्कैन आपका इसमें करवाएंगे। अगर इसमें कोई गांठ नहीं आती है तो अच्छी बात है, वो टाइमली फ्रीक्वेंटली आपको वापस एडवाइस कर देंगे, और अगर उसमें आता है कुछ तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड किया जाएगा कि जो गांठ है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो कैंसर है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे गांव में भी मैंने देखा है बीड़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, बीड़ी के 2-2, 3-3 बंडल पर डे के वो खाली कर देते हैं, और फिर जब भी वो कैंसर होता है तो एंड की स्टेज में उनके हाल बहुत ही बुरे होते हैं, उनकी कंडीशन, उनकी परफॉर्मेंस स्टेटस बहुत ही ख़राब हो जाती है। सो
बेटर तो यही है कि आप बीड़ी या सिगरेट स्मोकिंग आप स्टार्ट ना करें तो ही बेटर है, और अगर आप लंबे टाइम से कर रहे हैं तो आपको अर्ली डिटेक्शन अगर कैंसर का करना है तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए। सो अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई डाउट है तो कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं आपको उनको क्लैरिफाई करूँगा। और अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा हो देन और आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।